मैं सिंपल सी गार्डनिंग करता हूँ दोस्तों, कुछ ज़्यादा अटरम बटरम नहीं डालता हूँ इनमें, सिंपल सिंपल सी चीज़ें डालता हूँ और फिर भी आप मेरे पौधों की लगभग ग्रोथ देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, नवीस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अक्टूबर स्टार्ट हो गया है और अब धीरे धीरे जो है सर्दियाँ आएंगी। सर्दियों से पहले दोस्तों हमें क्या क्या करना चाहिए अपने पौधों के अंदर, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ दोस्तों कि हम इस टाइम पर कौन कौन से पौधे ला करके लगाएं जिससे हमारे पूरा सर्दी जो है गार्डन के अंदर फ्लावरिंग बनी रहे। और फूलों के पौधे ऐसे ऐसे आएंगे दोस्तों जो हम गर्मियों में नहीं देख सकते, लेकिन इस टाइम पर अगर आप उन फूलों के पौधों को लगाते हैं तो ज़बरदस्त आपके गार्डन के अंदर फूल ही फूल हो जाएंगे दोस्तों। और मैं आज कुछ एक प्लांट लेकर के भी आया हूँ, आपको वो भी साथ के साथ दिखाऊंगा कि कौन कौन से पौधे आज हमने परचेज किए हैं और कौन से पौधे इस टाइम पर हम लगा सकते हैं जो सस्ते रेट पर बिल्कुल चीप से कीमत के ऊपर आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा कॉस्टली आपको नहीं लेकर के आने हैं, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं वो सीजनल होते हैं। 5 से 6 महीने के बाद में जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होंगी फिर ये मर जाएंगे दोस्तों, और दोबारा से फिर हमको गर्मियों के प्लांट लगाने पड़ते हैं। कुछ एक ऐसे पौधे होते हैं जो परमानेंट चल जाते हैं, अगले साल के लिए बच जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो गर्मियों में डेड हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं कि इस टाइम पर जो हम पौधे लेकर के आए हैं उनमें मैंने डाइंथस को ख़रीदा दोस्तों। डाइंथस अच्छी वैरायटी है, डाइंथस का पौधा बड़ा ही प्यारा होता है, उसके अलग अलग कलर होते हैं। चलिए मैं आपको साथ के साथ दिखाता हूँ कि डाइंथस होता कौन सा है। ये देखिए दोस्तों, ये डाइंथस के प्लांट हैं जिनके अंदर अभी थोड़े थोड़े आपको फूल दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि ये वाला प्लांट है दोस्तों। और एक मेरे पास ये प्लांट देखिए, इसमें अलग अलग कलर है दोस्तों, सारे के सारे अलग अलग कलर आए हुए हैं। और एक ये है जिसमें और भी अलग कलर है। तो दोस्तों कुछ एक मैंने ये देखिए, मेरे लास्ट ईयर का जो डाइंथस है वो थोड़ा सा ग्रो कर गया है। और इस प्रकार के पौधे जो हैं आप ख़रीद सकते हैं इन दिनों में, जिस पे इस प्रकार के फूल आएंगे और बड़े ही अच्छे फूल होंगे दोस्तों, बड़े प्यारे फूल होंगे ये देखिए। तो दोस्तों दूसरा जो पौधा इस टाइम पर आप लगा सकते हैं वो है मैरीगोल्ड का। इस टाइम पर आप मैरीगोल्ड की कोई भी किस्म लगाइएगा, अच्छे से लग जाएगी। गेंदा यानी कि सदाबहार गेंदा इस टाइम पर आपको देखने को मिलेगा। तीसरा दोस्तों आप इस टाइम पर गुलदाउदी को लगा सकते हैं, गुलदाउदी भी इस टाइम पर अच्छे से चलेगी। अभी आपको नर्सरियों में गुलदाउदी बड़ी ही ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगी, फुल मात्रा में अलग अलग कलर की, और अगले महीने तक तो काफ़ी सारे गुलदाउदी के ऊपर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। ये मेरी लास्ट ईयर की गुलदाउदी है जो मैंने बचा करके रखी हुई है, अभी इसके ऊपर जो है धीरे 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 फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएगी और अगले महीने तक इनके ऊपर फूल आ जाएंगे दोस्तों, यानी नवंबर के एंड तक इनके ऊपर फूल आ जाते हैं, अच्छे से पूरा पौधा भर जाता है। दूसरा आप गुलाब लगा सकते हैं दोस्तों इस टाइम पर, गुलाब की भी अच्छी किस्में इस टाइम पर मिल जाएंगी और गुलाब के अंदर अच्छे खासे फूल आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए जैसे कि ये गुलाब की वैरायटी है जिसके अंदर रेड कलर वाइट कलर के फूल आए हुए हैं दोस्तों, और एक ये वैरायटी है जिसमें रेड कलर के गुच्छे के अंदर फूल आते हैं, बिल्कुल ऐसे ये सूख गए हैं कुछ एक फ्लावर दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है वो फ्लावरिंग प्लांट को लगा सकते हैं। और आगे अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें इन दिनों में लगाने की, तो आप जो है वो विनका को भी लगा सकते हैं दोस्तों। इस टाइम पर विनका जो है आपको अच्छे से मिल जाएंगे, लेकिन जब कंप्लीट सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी तो उस टाइम पर विनका जो है वो डोरमेंसी में चले जाएंगे और उस टाइम पर फ्लावरिंग नहीं करेंगे दोस्तों वो। और उसके अलावा अगर आप इस टाइम पर लगाना चाहते हैं तो आप ये जो है लंटाना का पौधा लगा सकते हैं। लंटाना के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी इस टाइम पर, अच्छे खासे फूल इसके अंदर भर भर के आते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर आप कोई लगाना चाहते हैं तो ये जूही का पौधा लगा सकते हैं, ये जूही की बेल है दोस्तों। इसके ऊपर व्हाइट कलर के छोटे छोटे से फूल आते हैं और बंच में फूल आते हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं हैं, शायद नेक्स्ट मंथ तक इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, अभी ये ग्रोथ ले रही है दोस्तों। इसके बाद अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो आप ये बुगनविला लगा सकते हैं, जो कि मल्टी कलर्स के बुगनविला आते हैं, यानी कि वाइट भी आता है, पिंक भी आता है, और भी कई प्रकार के इस टाइम पर जो है बुगनविला आपको मिल जाएंगे। तो ये बेसिक से पौधे हैं दोस्तों जो कि काफ़ी मात्रा में नर्सरियों पर अवेलेबल होते हैं, सस्ते से रेट पर होते हैं। उसके बाद अगर आप लगाना चाहें तो ये बटन रोज लगा सकते हैं आप सर्दियों में, पूरी सर्दियाँ इनके ऊपर छोटे छोटे जो हैं गुलाब के फूल आएंगे बटन के जैसे, बड़े गुलाब के फूल तो आए हुए हैं, देखिए आप ऊपर गुलाब देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे फूल जो हैं इस टाइम पर लगाने के हैं, आप चाहो तो इन फूलों को इस टाइम पर लगा सकते हैं। ये पूरा सर्दी जो है दोस्तों आपको गार्डन के अंदर फूल ही फूल दिखाई देंगे और अच्छे से चलते रहेंगे। और एक और बेसिक सा प्लांट है दोस्तों फ्लावरिंग का जो इस टाइम पर लग सकता है, वो है आपका गुड़हल का पौधा, यानी कि गुड़हल के ऊपर अच्छे खासे फूल आएंगे दोस्तों। ये देखिए एक ये हाइब्रिड वैरायटी का रोज है जो कि वाइट कलर का रोज है, ये देखिए आप कितना प्यारा गुलाब है दोस्तों, कितना प्यारा गुलाब है, ये बहुत ही अच्छा और खूबसूरत गुलाब है दोस्तों। तो गुलाब की तो इस टाइम पर आप अनगिनत किस्में ले सकते हैं,
पता नहीं कितने सारे गुलाब की वरायटियाँ जो है आपको देखने को मिलेंगी अगर आप स्टैंपर लगाना चाहते हैं तो। तीसरा ये देखिए, अभी मेरे कनेर पे तो लगभग सारा साल ही फ्लावरिंग होती रहती है। ये कनेर का पौधा है, इसके ऊपर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों, बड़ा ही प्यारा चल रहा है। और अब कंप्लीट जब अच्छे से सर्दियाँ मतलब कि शुरू हो जाएंगी तो और फूल आएंगे दोस्तों इसके ऊपर। तो लगभग कनेर ऐसे भी होते हैं जो सर्दियों में मर जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर फुल भर भर के फूल आते हैं दोस्तों। ये देखिए, अभी मैं जिसका जिक्र कर रहा था, इसको चाइना रोज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हमारा जो गुड़हल का पौधा है ये वो वाला पौधा है। और ये देखिए, गुड़हल के ऊपर अभी आप हाल फिलहाल में देख भी सकते हैं कितना प्यारा फूल आया हुआ दोस्तों। ये जो है वो सिंगल गुड़हल है, लेकिन यहाँ पर जो है ये वाला डबल गुड़हल है दोस्तों। इसके अंदर एक डबल फ्लावर आएगा, जबरदस्त वाला फ्लावर आएगा। जब इसके ऊपर फूल आएगा तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। उसके बाद अगर कोई फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों, वो टिकोमा का है। ये देखिए, टिकोमा की वरायटी आप इस टाइम पर लगा सकते हैं। टिकोमा में कई सारी वरायटियाँ आती हैं। ये टिकोमा जो है सिंपल है। एक टिकोमा गोरी चोरी आता है दोस्तों, यानी कि जो येलो से कलर के बड़े बड़े पेड़ आपने देखे होंगे, तो वो भी इस टाइम पर आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप तमाम फूलों को इस टाइम अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं दोस्तों। मैंने आज कुछ एक गार्डन को थोड़ा सा डेकोरेट भी किया है, कुछ प्लांट लेकर के आया था मैंने। इसमें से ज़्यादातर मैं डाइंथस लेकर के आया था दोस्तों आज, और उसके अलावा कुछ एक इंडोर प्लांट लेकर के आया था, वो भी आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। अगर इसमें शेयर करूँगा तो शायद वीडियो लंबी ना हो जाए। देखिए दोस्तों, कुछ एक प्लांट ये इधर हैं जो आज परचेज किए हैं। ये देखिए, ये भी जो है वो उसी की तरह की एक वैरायटी है जो हमारा टिको डाइंथस है, उसी की तरह की वैरायटी है। इसके अंदर भी कितने प्यारे प्यारे फूल आते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये वाइट कलर का फ्लावर है और इसका फ्लावर आप देख सकते हैं। और अब आगे जो थोड़ा सा समय बीतने के बाद में, जैसे ही नवम्बर स्टार्ट होगा, नवम्बर के आसपास आपको पिटूनिया और भी अलग अलग प्रकार के जो हैं वो फूल देखने को मिलेंगे, जिसमें पिटूनिया सबसे ज़्यादा रहेगा, जिसके ऊपर ज़्यादा मात्रा के अंदर फूल आते हैं, बड़े बड़े साइज़ के फूल आते हैं। दोस्तों ये जितने भी पौधे मैंने आपको दिखाए हैं, सारे के सारे जो हैं वो खुशबू लैस पौधे हैं। इनमें किसी में भी खुशबू नहीं होती है दोस्तों। ये सारे के सारे जो हैं फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन इनमें कहीं पर खुशबू नहीं होती है और सीजनल प्लांट है, परमानेंट नहीं दोस्तों। एक दो प्लांट को छोड़कर, जैसे गुड़हल हो गया, हमारा रोज हो गया और टिकोमा हो गया, ये पौधे जो हैं वो परमानेंट है। बाकी सारे के सारे जो हैं दोस्तों वो सीजनल प्लांट होते हैं। और जूही की बेल भी जो है वो परमानेंट होती है, वो भी सीजनल नहीं है। कुछ एक प्लांट सीजनल है, यानी ये बोल सकते हैं कुछ एक प्लांट सीजनल है और कुछ एक जो है वो परमानेंट है। तो दोस्तों आप इन पौधों को लगा करके अपने गार्डन को पूरा सर्दी जो है वो अच्छे से फ्लावरिंग पा सकते हैं। इस टाइम पर बेसिक बेसिक से पौधे मैंने बताए हैं, 400-500 रुपए की रेंज में ये सारे पौधे आ जाएंगे दोस्तों। यानी कि कम से कम भी 20-20, 30-30 की क्वांटिटी के अंदर ये आराम से मिल जाएंगे आपको। तो आप चाहो तो उतने पौधे इस टाइम पर लगा सकते हो दोस्तों। मेरे पास काफ़ी सारे पौधे हैं, मैंने काफ़ी सारा जो है कलेक्शन किया हुआ पौधों का, और मैं अपने टेरेस के ऊपर ही गार्डनिंग करता हूँ दोस्तों। दोस्तों अगर आपको पौधों से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, किसी पौधे में कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, फंगस है, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपकी हेल्प करूंगा दोस्तों उसमें, कि आप किस तरीके से अपने पौधे को बचा सकते हैं, अपने पौधे की ग्रोथ ले सकते हैं। मैं सिंपल सी गार्डनिंग करता हूँ दोस्तों, कुछ ज़्यादा अटरम बटरम नहीं डालता हूँ इनमें, सिंपल सिंपल सी चीज़ें डालता हूँ, और फिर भी आप मेरे पौधों की लगभग ग्रोथ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है इन पौधों की ग्रोथ है। ये देखिए दोस्तों, आप मेरे पीछे तक भी पौधों को देख पा रहे होंगे, कितनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ है दोस्तों। अभी मैं आपको इस साइड की ओर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए आप, पीछे तक भी पूरी छत को जो है मैंने गार्डन के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, और सारे के सारे पौधे जो हैं वो देखिए कंप्लीट, जहाँ तक मैं इस कैमरे को घुमा रहा हूँ उतने ही पौधे हैं। और सिंपल गार्डनिंग का सारा ये नतीजा दोस्तों। इसके अंदर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, सिंपल सी चीज़ें डालता हूँ। वो क्या हैं वो लगभग मैं अपनी सारी वीडियोज़ के अंदर शेयर करता रहता हूँ, आप मेरे चैनल पर विजिट करके इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।